हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रूपा और आज मैं बनाऊंगी बंगाली स्टाइल फ्राइड राइस। बंगाली लोगों को तो राइस सबसे ज्यादा पसंद है और राइस का रेसिपी के अंदर बंगाली लोगों को सबसे पसंद है फ्राइड राइस। और आज मैं एकदम ऑथेंटिक वे से बनाऊंगी बंगाली स्टाइल फ्राइड राइस। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं फ्राइड राइस। लेट्स बिगिन। बंगाली स्टाइल फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने लिया है गाजर, इसको ऐसे थिनली स्लाइस कर लिया है, थोड़ा सा मटर, बीन्स इसको भी ऐसे थिनली स्लाइस कर लिया है, गोभी इसको भी ऐसे थिनली स्लाइस कर लिया, उसके साथ ही साथ ले लिया है कैशू नट्स, किशमिश, 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून घी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। फर्स्ट में वेजिटेबल्स को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद राइस को प्रिपेयर करेंगे। चलिए वेजिटेबल्स को तैयार कर लेते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, अभी डाल रही हूँ घी 1 टेबल स्पून। घी को गरम होने दीजिए, ऐसे घी हमारा गरम हो गया है, ऐड कर देंगे गाजर, गाजर को फ्राई कर लेंगे। गाजर हमारा फ्राई हो गया है, ऐड कर देंगे गोभी, हल्के सारे इसको भी मिला के फ्राई कर लेंगे। गाजर एंड गोभी हमारा फ्राई हो गए थे, कर देंगे बीन्स, इसको भी मिला के फ्राई कर लेंगे। ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट 1/2 टीस्पून और इस टाइम में ऐड कर देंगे कैशू नट्स। इसको भी मिला के फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल्स हमारा फ्राई हो रहे हैं, तो चलिए इस टाइम में राइस को प्रिपेयर कर लेते हैं। देख लीजिए मैंने एक कुकर में पानी चढ़ा दिया है, आप लोग एक बड़ा सा बर्तन लेके राइस को प्रिपेयर कर लीजिए, उससे राइस हमारा बहुत ही खिला खिला बनकर रेडी हो जाएगी। पानी को भी ढक दीजिए, पानी में उबाल आने दीजिए। देख लीजिए पानी में उबाल आ गया है, तो इस टाइम में ऐड कर देंगे राइस, इधर पे 500 ग्राम राइस है। मैं यूज कर रही हूँ बासमती राइस, इससे फ्राइड राइस बहुत ही अच्छा बनते हैं। इसको मैंने अच्छे से धोकर क्लीन कर लिया था और अभी इसको 80% तक बॉईल कर लेंगे। इसे ढक्कन दे दीजिए और बॉईल कर लीजिए। देख लीजिए राइस हमारा 80% बॉईल हो गया है, तो चलिए अभी पानी को ड्रेन कर लेते हैं। देख लीजिए राइस हमारा बहुत ही खिला खिला बन के रेडी हो गए हैं, तो चलिए अभी वेजिटेबल्स को देख लेते हैं। देख लीजिए वेजिटेबल्स हमारा फ्राई हो रहे हैं, इस टाइम में ऐड कर देंगे किशमिश और अभी ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून चीनी, ऐड कर दीजिए, मिला दीजिए, ऐसे चीनी को मेल्ट होने दीजिए। देख लीजिए वेजिटेबल्स हमारा फ्राई हो गए हैं, इस टाइम में ऐड कर देंगे मटर, मटर को एंड में ऐड कर दीजिए, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए ऐसे। देख लीजिए वेजिटेबल्स हमारा फ्राई हो गए थे, तो अभी ऐड कर देंगे राइस, ऐड कर देंगे राइस ऐसे, ऐड कर दीजिए और हल्का हाथों से मिला दीजिए सारी चीजों को एक साथ। देख लीजिए ऐसे वेजिटेबल्स के साथ राइस को मिला लीजिए, बंगाली स्टाइल फ्राइड राइस रेडी हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, घर में जरूर एक बार ट्राई करना। देख लीजिए यह भी हमारा रेडी है, तो गैस को बंद कर दीजिए और इसको सर्व कर दीजिए। चलिए सर्व कर देते हैं। देख लीजिए मेरा बंगाली स्टाइल फ्राइड राइस अभी रेडी एंड सर्व्ड। कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे ना तो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।